वेलकम मिर्जा गालिब साहब। जी वेलकम। ये भाई साहब कितना झूठ परोसे जा रहे हैं इस्लाम के नाम पे। हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने वो कहा। अरे हुजूर तो किसी को बख्शे ही नहीं थे भाई। अरे तो आप अच्छे इंसान होंगे ठीक है ना, लेकिन हुजूर पे क्यों ठोकरे ठोकरे? हुजूर ने हमें ये कहा, हुजूर ने वो कहा। मेरे लिए बोल रहे, रफी साहब के लिए बोल गालिब रहे भाई हैं। ये हुजूर को फॉलो नहीं करते आपके लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ही के झूठ सबसे बर्दाश्त कर रहा था मैं। नहीं, मेरे बारे में बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल भाई, आपके ही बारे में बोल रहा हूँ। अब कौन सी लैंग्वेज में बोलूँ कि आपको समझ आ जाए? सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब। अगर कोई आदमी किसी के लिए अच्छा बोलता है तो उसके लिए आपको दर्द नहीं होना चाहिए। कोई आदमी किसी के लिए अच्छा बोलता है, लेकिन अब कोई उस अच्छी बात को किसी बुरे इंसान से मंसूब करे तो वहां तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन वो बुरे आपको बुरा है, इंसान सबको बस बुरा नहीं है ना। हमारे मुंह खुलेंगे। नहीं, सुनिए, आपको बुरा है ना, दूसरे को तो बुरा नहीं है ना। बहुत से लोग किसी से प्यार करना, अभी आपको बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग आपसे प्यार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सब आप हमेशा के लिए बुरे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं वो तो ठीक है ना, आप अच्छे इंसान होंगे ठीक है, लेकिन अपनी अच्छाइयों को एक बुरे इंसान से मत चिपकाइए कि उसने ऐसा कहा तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसने वैसा कहा तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वो बोलता कि अगर क्या नाम है लौंडाबाजी करो तो वो भी करते फिरते क्या? हालांकि वो सब झूठ बोल रहे हो आप। नहीं, ये झूठ आपकी नजर में, ये सब झूठ है। आप जो फौरन कहते हैं, क्योंकि आपको मैं ज्यादा, आप गालिब हैं, आपको मैं ज्यादा देखता हूँ। आप तो ज्यादातर नफरत ही बांटते हैं, ऐसा मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा बुरा मत बोलने की कोशिश मत करो। आपके हर बात, कोई अरे भी बात, आप ये कहते हैं कि कोई बात नबी की अच्छी नहीं है, ये 100% गलत है। ये इस तरह की, भाई और इस तरह की ये मत करो। मैं नहीं, बोल आप दूंगा बोलते हो कि आपने बोला कि क्यों मैं मुंह खोलूंगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको बुरा नहीं बोलता हूँ कि क्या, अगर कुछ बोलूंगा तो आप मुझे आने का ब्लॉक कर देंगे। इसलिए ये संगीत से रहने दो, नहीं? थोड़ी दो तीन बातें पूछूंगा मैं निकल अरे जाऊंगा, आप मुझे ब्लॉक मत करो। ये बात रुको खलास, तो रुको। आपका नजरिया, हाँ आपका नजरिया मैं है, ये आप बोल रहा उसमें कोई मैं मतलब तो नहीं है। मान लूंगा। अरे सुनोगे, मैं तो मान लूंगा कि हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, कम ज्यादा बात की बात है। आप मानोगे हुजूर में अच्छाई बुराई दोनों थी? अरे मैं इतनी अच्छाई दिखाऊंगा, इसमें चैलेंज भाई, तुम क्या समझते हो मुझे, ना तुम सवाल क्या समझते हो मुझे, ये तुम क्या नहीं, 100% हंड्रेड मेरा परसेंट सवाल ये नहीं। भाई साहब, नौटंकी भाई नहीं सर जी, साहब, नौटंकी भाई साहब, मेरी मेरी नहीं। बात सुनो, मेरी बात नहीं सुनो। नहीं ऐसा आपकी नहीं, बात नहीं, आप जवाब दो। इतना भी बुरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत बोलो, ये अच्छा नहीं है। आप मानोगे कि हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, तो हुजूर में भी अच्छाई बुराई दोनों थी, मानोगे? अच्छाई में करोड़ों दिखाऊंगा, एक ने करोड़, इसमें चैलेंज, आप क्या समझते ना लाइन ये पे बोल अच्छा नहीं है। दीजिए। अरे आप नहीं मानते हो वो बात और है, लेकिन इल्जाम मत लगाओ। आप नहीं यार मानते हो, ये पागलपना इल्जाम मत लगाओ। अभी मत फोन करो, ये बंदा कीजिए। आपको जब कोई गरम करता है ना गालिब भाई, वो आप ब्लॉक करते हो लोगों को। आपको मैं बोलने मैं नहीं क्या दूंगा, बोल रहा हूँ, आपको मैं इतना मैं नबी क्या सल्लल्लाहु बोल रहा हूँ? अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोलेंगे, आपको एक सेकंड बोलने नहीं दूंगा। मैं भी जानता हूँ, हाँ तो ये मक्कार हो ना नहीं भाई, दूंगा। मक्कार इंसान हो, मक्कारी करोगे? खैरुल माकरीन के बंदे हो, तुम क्या समझते हो, तुम हमको खैरुल समझते माकरीन हो, मक्कारी करोगे, झूठ बोलोगे, बेशर्मी करोगे, बेहयाई करोगे। झूठ नहीं, तुम्हारे मुंह से गंदी बदबू आ रही है, झूठ की बदबू, सही है ना। तुम नफरती हो, तुम नफरती, तुम सिर्फ तुम नफरती हो, तुम एक मिनट, मैंने 6 साल की बच्ची शादी नफरती, की थी बात क्या? गलत करते हो। हम सारी मैंने सारे बच्ची हिंदुस्तानी शादी भाई, सारे हिंदुस्तानी भाई अरबस्तान में बैठे हैं, और तुम यहाँ के अरबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला बोलते हो, झूठ बोलते हो। तुम खाली बेशर्मी ना था। पैसा कमाने मैं के लिए क्या झूठ बोल रहा हूँ, बोलते हो, 6 साल की और बच्ची शादी मैंने ही की तालिबान थी, का नाम रखे हो तुम, हमारे मुंह को मत। शादी मैंने ही की थी। अरे यार बंदे का तो ब्रेक ही जी, फेल हो गया आपको यार। सिर्फ बुरा हालो हालो रफी साहब, एक सवाल था मिर्जा झूठ गालिब साहब का, कि इंसान में बोले अच्छाई बुराई होती है क्या? नहीं बोलेगा हाँ, ना क्या बंदा ये। उनमें अच्छाई बुराई थी, ये सवाल था। तो आप ना कर दे, यहाँ कर दे, वो हमको बुराई से कंपेयर करते हैं इसमें और बुरा बोलते क्या हैं बोला गया है, ये तो सवाल वो है। बहुत अरे बुरे हैं, वो शराब पी के बैठते हैं, शराब के नशे में नबी सरसम को बुरा बोलते हैं, ये मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। लगा याद रखो, मेरे साथ आते होगा हो तो मेरे मुंह को लगते हो, तुम क्या बंदे समझ के को, बैठे आपकी हो, अकीदत है। तुम क्या समझ ब्रेक के बैठे लगाओ हो। अभी तक ये जिस हिसाब से झूठ पे झूठ ठीक है, बोले गांजा हैं, खा के और बिना जिना करके तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दोगे,
गाली दी है खुद क्या मैंने। सर हमको, ये हम लोग नबी सर एक के मानने वाले हैं, हम हमेशा दरुद भेजते हैं नबी बिल्कुल सर को। तुम नबी सर को बदनाम करोगे? एक तुम्हारी साल चर्बी में नहीं की करूंगा, तुम गालिब नहीं, कौन सा भी गालिब हो, इज्जत से रहो, इज्जत से बात करूंगा। ये एक अल्फाज भी नबी सलम को बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ है तो मुफ्ती मुफ्ती लोगों से कंपेयर करो। तुम हमेशा नबी सलम को बुरा बोलते हो, क्या समझते हो तुम अपने आप को? बच्ची से शादी मैंने ही की थी। तुम आइंदा ऐसा नबी सलम को बुरा बुरा नहीं बोलना, याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है तुमको। जब भी मैं ये आऊंगा, थोड़ी गाने की बात सच करूंगा, कुछ बात सवाल है। पूछूंगा, चला जाऊंगा। नबी को बुरा बोलोगे, तुम्हारे लिए वार्निंग, बहुत बड़ी वार्निंग दूंगा मैं। तुम लोग को ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं, तुमको कोई भी यहाँ पर चैनल पे आए, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। और अच्छा ही नबी बंदे की के बता, अच्छे अच्छा करूंगा, और इतना अच्छा करूंगा, तुमको 5 वक्त की नमाज भी बनाऊंगा। इसमें चैलेंज, क्या समझते हो? अभी भेड़िया जिस बकरे की खाल में छुप रहा था असली रूप में आ चुका है। अब लोग समझते रहे भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं चलता हूँ। ठीक बुरा बोलते हो नबी सरसम को? है सुनो, मेरे पास तुम नबी सरसम के लिए चैलेंज करोगे ना, तुमको मैं खुदा की कसम 5 वक्त की नमाज ही बना के छोड़ूंगा मैं। तुम याद रखो, तुम क्या समझते हो मुझे? नबी सरसम की इतनी अरे रफी अच्छाइयां हैं, साहब, रफी साहब, रफी साहब, हो मैं तुमको इतनी मोहब्बत दिया, हमको उल्टा बोलते हो। तुम हमेशा गालिब बन के आके लोगों को बुरा भला बोलते हो। गालिब, या पहले बात किया भाईजान, गालिब बहुत अच्छे इस्लाम से बात की है, साहब कितना साहब अच्छा बात किया। साहब तुम्हारे साहब दिल में साहब, नफरत ठंडे भी है, जंस के बैठे हो। ठंडे हो जाइए, ठंडे हो जाइए। गालिब साहब की खासियत है वो इस्लाम को जगा देते हैं, चिंता हाँ, ना करें, और इंसान को भटका के वो इस्लामिस्ट बना देते हैं। मेरे पास चैलेंज करो, मेरे पास आओ, मेरे पास बात करो, मैं बताता हूँ इस्लाम। मैं ऐसा तुमको बताऊंगा ना, मैं हालांकि अंगूठा छाप हूँ, इस्लाम के बारे में इतनी अच्छाई बताऊंगा। ये गालिब 6 वक्त की नमाज पढ़ेगा, इसमें चैलेंज। मैं नफरत किसी से नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने नबी साहब को बुरा बोला ना, मेरा दिल दर्द हो रहा है। हम किस कंट्री में है? कितने हिंदू हिंदू भाई है, अब देखिए क्रिश्चियन भाई आपका है, काम इंसान छिन गया। करते हैं, और वो नबी को तुम लोग बुरा बोलते हो पैसा कमाने के लिए। तुमको कितना पैसा चाहिए? नबी को बुरा बोलना छोड़ दो, बुराई करते हो तुम। तुम्हारी बुराई मैं करूंगा अब तो अच्छा देखिए रहेगा, आपका लोगों की बुराई पर पर्दा डालो। नबी को टारगेट करते रहते हो हमेशा के लिए। आपका इंसान पीछे छिन गया, आपका इंसान पीछे कहाँ चला गया? ठंडे हो जाइए, नहीं, ठंडे हो जाइए। मेरे भाई साहब इतना बुरा बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतना बुरा बोलते हैं, अच्छा नहीं है। अरे उसने कुछ मत बोलो, उसने अभी अभी तो फॉलो कोई करते हैं, बुरा नहीं चलो। किया, उसने केवल मैं एक अकेला बात। फॉलो नहीं करता हूँ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला फॉलो नहीं करता हूँ। नहनु नज़्जलनाहु ज़िक्र व इन्नहु लहाफिज़ून, इस दिन को हमने उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। मुसलमान कुरान, मुसलमान और नबियों के बाद का मुसलमान कोई नहीं है, इसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। हमारे हाथ से जिम्मा करने होता नहीं है। इस्लाम इस्लाम छोड़िए, को आप एक मिटाने के, एक वो गीत सुनिए, आपका काम है, आप मिटा दो लो, हमें लाइन कोई की एतराज आजाद नहीं। भाई किसी वजह से म्यूटेड है। नहीं, आइंदा ऐसी आप बातें मत, मैं चैनल में आऊंगा, प्यार मोहब्बत से बात करूंगा। मेरे को बोलो आपके नबी ने ऐसे कहा है। ये डायरेक्ट नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बोलता है ये आदमी गालिब। इसको आइंदा होशियार रहना है, याद रखना। हम इस कंट्री में है, हमको अगर यहाँ से भेजेगा तो हमारे को रोजी रोटी कौन देगा? वो बिना प्रूफ के तुम बुरा भला बोलते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सबको, सबके चैनल, सबको तुम बोलो, मुझे मत बोलना। मैं एक सिंगर हूँ, सिंगर था, सिंगर रहूंगा, और अल्लाह की बात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात को फॉलो करके मैं इस दुनिया में अमन अमन का ज्यादा पैगाम पहुंचाऊंगा। बात बात में वो बुरा भला बोलता है गालिब, चरस पी के बैठा है, मुझे ओ ओ कर रहा है। क्या समझते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोग? आइंदा ऐसी बातें मेरे पास नहीं करना। मैं तुमको अच्छी इज्जत से, एहतराम के साथ मैं आया था तुम्हारे शो में, मेरा मूड खराब कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि शादी करते वक्त जहेज मत लो, हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि भैया शादी करते वक्त तुम लोग है ना, हेलो गरीब लड़की से शादी करो, गरीब लड़की को दो, गरीबों को दो, मदद करो। अच्छी हेलो, बातें क्यों छुपाते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातों को छुपा मत, जाहिर करो हेलो, अच्छी बात। जी, 1 मिनट थोड़ा आराम कीजिए। मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, और आप जैसे मोहब्बती लोगों को मैं पसंद करता हूं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी गाना गाते हैं। ऐसे लोगों को मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप जैसा ही मैं भी चाहता हूं कि बाकी लोग भी फॉलो करें, कि नबी को फॉलो भी करे और म्यूजिक भी बजाए, गाना भी गाए, लोगों को एंटरटेनमेंट भी करे, मोहब्बतें बांटे। तो आप किसी की बात पर आप इतना जो भड़क जाते हैं ना, तो उसकी वजह ये नहीं है कि उस आदमी ने इतना ही बुरा कहा है जितना आपको जाहिर कर रहे हैं आप। उन्होंने एक सवाल किया है जो आपके अकीदत और आपकी मोहब्बत
जो अरबी मोहम्मद से है तो वो कबूल नहीं करती, इसलिए आपको थोड़ा गुस्सा आ गया है। और बात नहीं, हम आगे भी आपका इंतजार करेंगे और आपकी प्यारी बातों का हम खैर मकदम करेंगे। थैंक यू सो मच सर।